चुनाव का जो परिणाम है उसमें अब 24 घंटे का भी समय नहीं रहा। इस बीच इलेक्शन कमीशन भी सामने आया और तमाम बातों पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सारी तैयारियां हैं, सब कुछ दुरुस्त है। आम आदमी पार्टी क्या सोचना है? संजय सिंह हमारे साथ हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है सब कुछ दुरुस्त है, आप आश्वस्त हैं? देखिए, अगर दुरुस्त है तो रोज नई नई गाइडलाइन क्यों जारी करते हैं? अगर सब कुछ इलेक्शन कमीशन में ठीक है तो हम लोगों को क्यों बार बार जाना पड़ता है इनके पास? आपने देखा देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान किस भाषा का इस्तेमाल किया? कभी इन्होंने कोई नोटिस दी, कभी इन्होंने कोई पूछताछ की, कभी बीजेपी के नेताओं ने जो जो कुछ भी इस चुनाव के दौरान किया उसका कहीं कोई नोटिस लिया इलेक्शन कमीशन ने? तो इसलिए जो शिकायतें होंगी उसके लिए जाएंगे। चुनाव आयोग बैठा किस लिए है? मतलब वो सफाई देने के लिए तो आ जाते हैं, काम करने की बात हो तो काम नहीं करना है, ये कौन सी बात है भाई? क्या हमने कहा? हमने कहा बैलेट पेपर की काउंटिंग के जो नतीजे हैं वो ईवीएम के नतीजों से पहले घोषित किया जाए। इसमें आपको समस्या क्या है? अगर सब कुछ ठीक है तो आप कहिए हाँ हम इसको कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सफाई देने के बजाय काम करने की जरूरत है। और चुनाव आयोग जनता के लिए बना हुआ है, चुनाव कराने के लिए बना हुआ है। उनको कहीं से भी इस अहंकार या इस गुमान में नहीं रहना चाहिए कि वो बिल्कुल कोई उनसे प्रश्न नहीं उठा सकता। उनकी जवाबदेही है लोगों के प्रति। इतना दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। विपक्षी पार्टियां उनसे सवाल पूछेंगी, जो शिकायतें होंगी उसको करेंगी, और जो शिकायतें हैं उसको दूर करने की जिम्मेदारी है। आयोग ने कहा कि जो इस तरीके से ऐसे तीखे शब्दों का इस्तेमाल होता है बड़ा कष्ट पहुंचता है। और हम लोगों के खिलाफ जो तीखे शब्दों का इस्तेमाल होता है, हम लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया जा रहा है। हम किससे रोने जाते हैं? हम भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना। तो अगर आप ठीक ढंग से काम करेंगे तो हमें क्या जरूरत है तीखे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए? जब आप ठीक ढंग से काम करेंगे, जो आपकी जवाबदेही उसको पूरा करेंगे, कोई हमें जरूरत ही नहीं तीखे शब्दों का इस्तेमाल करने की। 295 का जो आंकड़ा आप लोग दे रहे हैं उसके अड़िग हैं अभी? 295 के आंकड़े पे 100% अड़िग है। लेकिन दूसरी तरफ जो एग्जिट पोल्स हैं इनको आपने नकार दिया है। एग्जिट पोल के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने मान लिया है। अरे भाई, ग्लोबल टाइम्स मान ले, चीन का अखबार है। ट्रंप ने माना कि नहीं माना वो आपने नहीं बताया। ट्रंप से पूछा था वो भी मान लेगा, मोदी जी का दोस्त है। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से एक दावा किया है, जयराम जी ने किया है कि जो एनडी के कुछ घटक दल हैं वो उनके संपर्क में आएंगे, हैं अभी, और जो बहुमत आएगा तो कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री होगा। आपको लगता नहीं बहुत जल्दबाजी आप लोगों से रायशुमारी हुई इस पर? अभी पहले कल काउंटिंग होने दीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। मिल बैठ के सारे इंडिया गठबंधन के जो दल है वो तय कर लेंगे। लेकिन अभी जल्दबाजी कर दी कांग्रेस ने। ओहो, ये आप कह रहे हो ना। हम तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक होने दीजिए, नतीजे आने दीजिए, मिल बैठ के तय कर लेंगे। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नाली के गैस से चाय नहीं बनवाएगा, कोरोना ताली बजा के ठीक नहीं कराएगा, इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। कल जब मुख्यमंत्री सरेंडर करने जा रहे थे उससे पहले उन्होंने कहा, एक संदेश दिया पूरे कैडर के लिए, और ना सिर्फ आम आदमी पार्टी, पूरे इंडिया गठबंधन के लिए, कि आपके जो पोलिंग एजेंट्स होंगे वो आखिर तक वहां पर रुके रहे, हटे नहीं। उसके लिए क्या रणनीति को ट्रेनिंग आप ने क्या? सब को हमारी पार्टी ने तो सबको कहा ही है, और जितने भी हमारे काउंटिंग एजेंट होंगे वो अंतिम तक रुकेंगे, यहाँ तक कि वीवीपैट की जो पर्ची का मिलान होता है ईवीएम के साथ, वो नंबरों का मैच होता है, वहां तक रुकेंगे। कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने एजेंट्स को कुछ खास? कल दे दी है ट्रेनिंग। अच्छा, दे चुके हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि इसके पीछे शेयर बाजार भी जुड़ा हो सकता है, कि इनके लोगों का पैसा तमाम आरोप उन्होंने लगाए और देखने को ही मिला शेयर बाजार खुला तो नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि जो एग्जिट पोल आया है उस पर खुद भाजपाइयों को भी भरोसा नहीं है। कई भाजपाई मूर्छित होकर गिर गए बेचारे, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, वो खुद ही सदमे में चले गए हैं, इतना झूठा एग्जिट पोल है। तो इसलिए उसकी चिंता मत। शेयर बाजार से है कुछ कनेक्ट? बहुत ऊंचा है, बहुत सारे कनेक्ट हैं। शेयर बाजार से कनेक्ट है, लोगों का दिमाग भ्रमित करने से कनेक्ट है, देश को गुमराह करने से कनेक्ट है, चुनाव में हेरा फेरी करने से कनेक्ट है, तमाम चीजों से कनेक्ट है। इसलिए हम लोग सजग और सावधान है। आपका शुक्रिया।